गाइस ये हम हैं, ये हमारी फैमिली है और ये हमारी पार्टी हो रही है। Hey guys, this is समर्थ मिश्रा एंड मैं आज आया हूँ लेक पैराडाइज घूमने के लिए और आज आपको दिखाएंगे कि रुद्रपुर का लेक पैराडाइज किस प्रकार का है। और अभी हम लोग आगे तक घूमेंगे लेक पैराडाइज में। यहाँ पर एक बड़ी सी झील भी है और एक रेलगाड़ी है जिससे हम लोग अभी ट्रेवलिंग करेंगे तो झील के चारों ओर, और साथ में और भी कई सारे घूमने के प्लेस हैं। तो आइए दोस्तों आगे मज़ा लेते हैं आगे। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी पौंड के किनारे, यानी कि तालाब के हम किनारे आ चुके हैं और ये है यहाँ का तालाब। पीछे कितना बड़ा तालाब है, चलिए आगे चलते हैं। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं जो नाव है यहाँ पर वो पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि जो नाव हैं वो 1 तारीख से बंद कर दी गई हैं और आप अगर गाड़ी पे बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको कैंटीन की भी सुविधा देखने को मिलेगी। एंड साथ में आप रेलगाड़ी पे भी मज़ा ले सकते हैं, आप रेलगाड़ी चला सकते हैं ओनली 200 रुपीज में ओनली। एंड गाइस यहाँ से आपको झूलों की भी सुविधा मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर एक नाव वाला झूला है, अदरवाइज आगे भी झूले लगे हुए हैं। हाय गाइस, और ये पीछे एक बड़ी सी नाव है, अभी हम लोग इसमें बैठेंगे। एंड गाइस जो ये नाव वाला झूला है ये बंद पड़ा है, लेकिन हमको एक और झूला मिला है। अभी हम लोग इस झूले पे बैठ के आनंद लेंगे। ओए कोई पीछे से फूका दो आगे, कोई पीछे से। गाइस मैं अपनी मम्मी जी के साथ में अभी घास का ये जो मैदान है यहाँ पर भी थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे एक वेडिंग हाउस है और सामने एक रेस्टोरेंट है, जो कि आप देख सकते हैं बड़ा सा रेस्टोरेंट भी है। एंड दोस्तों वाकई में यहाँ पर जो हरियाली है उसको देखकर दिल को बड़ा सुकून मिला है। देख सकते हैं आप यहाँ पर दूर दूर तक घास का कितना बड़ा मैदान है। और दोस्तों रियलिटी पूछो तो मेरा यहाँ पर क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है। एंड आप भी यहाँ पर आए, मैं तो यही आपसे कहूँगा, कोई ज़्यादा टिकट भी महंगा नहीं है, ओनली 40 रुपीज़ का टिकट है। एंड दोस्तों काफ़ी मुश्किल के बाद हमें यहाँ पर एक पक्षी देखने को मिला है, जो कि सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। और ये देखिए वाह, एक और है लेकिन शायद वो दिख नहीं रहा है। एंड अभी हम आगे निकल रहे हैं। एंड फाइनली गाइस हम लोग अभी घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।
और उधर वो लोग धर्राटे काट रहे हैं मछली पकड़ने वाले। ये यहाँ पर सामने आपको मछली पकड़ते हुए लोग दिखेंगे और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वाकई में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी शांति और काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। काफ़ी बड़ा ये तालाब है, इसको झील बोलते हैं वैसे,